सर सर, वो आपके दोस्त मिस्टर मेहरा के घर से फोन आया है, उनको अचानक हार्ट अटैक आया है। दवाई देख, अगर तू ये चाची या ये जो कोई भी आए थे इन लोग का सोचेगी तो फालतू में तेरी टेंशन बढ़ने ही वाली है। ये साले अनपढ़ लोग हैं, इन लोगों को कुछ अक्ल नहीं है, बस दूसरों का घर बर्बाद करना आता है। तेरे भगवान ने कम टेंशन दी है क्या जो इन लोग का सोच रही है बैठ के? तेरे को तेरा ध्यान रखना पड़ेगा आपा, फैमिली के लिए। सोच अगर करण होता तो उसको अच्छा लगता तू ऐसे रहती, बिना खाए पिए किसी से बात नहीं करती। उसको अच्छा लगता कि तू उसके बच्चे का ध्यान नहीं रखती। करण के बच्चे के बारे में सोच, दवाई खा ले। कुछ खाएगी? बहुरानी, करण भैया के नाम का कोरियर है, मैं देखता हूँ। नहीं, हमारा कुरियर है ये, हमारा नाम है आभा, दीजिए हम साइन कर देते हैं। हमारा भी एक कुरियर था, बहुत इंपॉर्टेंट था, हमें देखना होगा। हमारा कुरियर आया। अरे बैठ बैठ। अरे क्या हुआ? बैठ 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 बैठ। चक्कर आ गए। आराम से पाँव ऊपर कर ले। पानी पीगी? अच्छा देख, वो कुरियर से था। वो मैं देखता हूँ, तू आराम कर, मैं तेरे लिए नींबू पानी या जूस कुछ भेजता हूँ। कुरियर ये देखिए, न्यूज़पेपर में आपकी तस्वीर छपवाई थी। ये सोचकर कि कोई आपको पहचान लेगा और आपको लेने आ जाएगा, लेकिन शायद आप यहीं रह जाना चाहते हमारे साथ। माँ भी ना हर दम हमारी शादी की चिंता करती रहती, हर औरत की तरह वो ये सोचती हैं कि शादी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है। उनका तो मानना है कि एक औरत के लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल है। आभा कैसी होगी मेरे बिना? पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा। मासी, मासी ने कही मेरी आभा को? मासी की असलियत सबको बतानी होगी। मुझे यहां से जाना है, मुझे अपनी आभा के पास जाना है, अपने परिवार के पास जाना है। मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा? आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए म्यूजिक चला देती हूँ, आप आराम कीजिए। तब तक मैं माँ को मना कर आती हूँ। छुप के बैठा है खुदा।
से नई दास्ता गम की स्याही दिखती है कहाँ मेरा शरीर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? मेरे पांव, ये क्या हो रहा है? मेरी मदद कीजिए भगवान। हे भगवान, काशी अखबार आबा ने पढ़ लिया। राजू जी, वो कुरियर कहाँ जो करण के लिए आया? जी वही पे रखा। अच्छा, किसी को बोला आबा के लिए नींबू पानी लेके जाए। जी सर। शायद गलती से नीचे पड़ा हुआ। ये भैया, जाने नहीं चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपको छोड़कर चली गई इसीलिए? जानती हूँ, जैसे माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है, उसी तरह शायद शायद आपका भी। ये क्या है बेटा? सेकंड ईयर लॉ का फॉर्म है आबा के लिए। शायद करण चाहता था आबा लॉ पढ़े। आबा लॉ पढ़ना चाहती है ना? हम उसका सपना जरूर पूरा करेंगे। वाह, आज सबने आभा का कितना साथ दिया, यहां तक के विमल ने भी। वो सब क्या कम था जो ये लोग उसे लॉ पढ़वाने निकले? अभी तो उसने घर के लोगों पर राज किया है। वकील बन गई तो ये स्वर्ण भवन अपने नाम कब करवा लेगी क्या पता। करण का अगर यही सपना था तो मैं ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी।
ना रहेगी इसकी लॉकेट टिकरी, ना पूरी होगा इसका सपना। अरे मॉम कहाँ है? अगर आप इस व्यक्ति को जानते हैं या इस व्यक्ति के बारे में आपके पास कोई भी जानकारी है तो कृपया नीचे लिखे पते पर तुरंत सूचित करें। डॉक्टर अरुंधति 25/3A MG रोड गोरेगांव वेस्ट मुंबई। इसका मतलब करण जिंदा है, वो भी किसी डॉक्टर अरुंधति के पास। अगर करण जिंदा है और आभा को ये बात नहीं मालूम तो इससे बड़ा राज क्या हो सकता है आभा की जिंदगी में? और अगर ये राज राज ही रहे तो इससे बड़ा बदला और मैं क्या ले सकती हूँ आभा से? आज तक जितना कुछ भी सहना पड़ा है मुझे, उसका बदला मैं अब लूंगी। बस एक बार श्योर हो जाए कि करण जिंदा है। हेलो, हाँ शीतल जी, मैं शैली बोल रही हूँ। तो मैं क्या करूं? मदद? देखिए मुझे आपकी मदद चाहिए, उसके बदले में जो आपको चाहिए। हाँ वो मेरी और एक सहेली है ना, जिसका नाम भी शैली है, बड़ी अकड़ू है वो, मुझे लगा उसका फोन आया। वो तो आप, खैर आप बताइए ना मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। हाँ 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 ठीक है, और हाँ मुझे पिछली बार का भी हिसाब चाहिए। हाँ इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस जो मैंने कहा है वो आप कर दीजिए। ठीक,
हमने? श्याम, राजू जी, जो आज सुबह कुरियर आया था वो कहीं रखा तुमने? छोटी बरवानी, मैंने तो नहीं देखा। वो मंदिर के वहीं रखा था, तुमने देखा हो या फिर किसी और के हाथ में देखा? जी नहीं। याद करके बोलो। जी नहीं, मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, जाओ। कुरियर, वो कुरियर ही तो एक आखिरी रास्ता था करण तक पहुंचने का। अब हम क्या करें? इतने दिनों से नील यहाँ पर, लेकिन आज सुबह से पहली बार वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन म्यूटिज्म की वजह से बता नहीं पा रहे, जो उन्हें सदमे की वजह से हुआ है। इतने दिनों से कोमा में रहने की वजह से इनका ब्रेन इनके बॉडी पार्ट्स तक सिग्नल नहीं पहुंचा रहा। इसका कोई इलाज नहीं क्या? है माँ, मैंने बात की है स्पेशलिस्ट से। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमें इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा और फिर उसके बाद इन्हें थेरेपी के लिए लेकर जाना होगा, जहाँ पर मशीन्स की मदद से इनकी वोकल कॉर्ड स्ट्रांग होंगे। माँ, मैं इन्हें सुनना चाहती हूँ। मैंने सुनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस मरीज से सभी डॉक्टरों ने जीने की उम्मीद छोड़ ही दी थी, और अगर आज इसमें कुछ उम्मीद आई है जीने की, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत और लगन के कारण है। नहीं माँ, मुझे लगता है इसमें किसी और की दुआओं का भी हाथ है। मुझे वो अंकल मिले थे ना मंदिर में, उनकी बहू आभा ने इनके लिए गंगा जल भी भेजा था। जरूर उनकी दुआओं का असर होगा कि आज ये पहले से काफी बेहतर। करण अगर जिंदा है तो अब आप ही उन्हें हमारे सामने लेकर आएंगे। आप ही ने हमें उनसे जुदा किया था ना, तो आप ही हमें उनसे मिलाएंगे। पागल हो जाएंगे हम, कब तक यूं आशा और निराशा के बीच झूलते रहेंगे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। अब माँ, माँ आपको लगता है मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए? जैसे तेरी इच्छा हो बेटा।